हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर श्वेता। आज की क्लास में जो मैं रिजल्ट प्रूफ करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरल यूनिवर्सिटी एग्जाम से पूछा जाता है। ये रिजल्ट मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और बेसिस से कनेक्टेड है, जो कि ये कहता है कि बेसिस इज अ मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज अ बेसिस, जो कि थ्योरम फॉर्म में है। थ्योरम आपके यहाँ पे दिया गया है, देखिए स्क्रीन पर है। इसका स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। बहुत ही आसान प्रूफ है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आया जाता है। If S equal to A1 A2 An is a subset of a vector space V over field F, then we have to prove that following statements are equivalent. Statement 1 is S is linearly independent set and S generates V. Statement 2, S is maximal linearly independent subset of V. तो statement 1 and 2 equivalent है, मतलब हम statement 1 को true मानते हुए statement 2 prove करेंगे और 2 को गिवन मानते हुए 1 को प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। थ्योरम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर स्टेटमेंट 1 को हम ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड एस जनरेट वी, मतलब एस इज अ बेसिस ऑफ वी। अगर एस बेसिस है तो एक्स एस जो है वो मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट भी है, और अगर एस मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है वेक्टर स्पेस का तो एस बेसिस हो जाएगा। ये है थ्योरम का पूरा मतलब। तो लेट्स स्टार्ट प्रूविंग दिस थ्योरम। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि S is linearly independent subset and S generates V, and then we are going to prove that S is maximal linearly independent subset of V. Okay, तो start करते हैं proof. Let me write 1 implies 2. Means given that, जो given है उसे लिख देते हैं, S is linearly independent को short में लिखते हैं Li. S is Li subset of V such that S generates V, मतलब हम उसको शॉर्ट में नोटेशन फॉर्म में लिख सकते हैं लीनियर स्पेन ऑफ S इक्वल टू V। तो हमें क्या प्रूफ करना है उसको लिख देते हैं टू शो। हमें ये शो करना है कि S इज मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V, मैक्सिमल Li सबसेट ऑफ V, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे प्रूफ शुरू करते हैं। अब प्रूफ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट किसी वेक्टर स्पेस का क्या होता है। जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया था, क्विक रिकॉल कराता हूँ। एस इज मैक्सिमल Li, अगर आपको ये प्रूफ करना है तो आपको सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा कि एस इज Li सबसेट ऑफ V, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये प्रूफ करना होगा कि एस का कोई भी सुपरसेट बनाया आपने, मतलब एस में आपने कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट इंक्लूड किया, ठीक है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाना चाहिए, ठीक। तो ये दोनों चीजें हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए प्रूफ में। सबसे पहले अगर हमें ये प्रूफ करना चाहिए कि एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लेकिन अच्छी बात ये है कि हमें एस लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें ये दिया गया है, क्या दिया गया है कि एस इज Li सबसेट ऑलरेडी दिया गया है, तो ये कंडीशन तो हमें प्रूफ ही नहीं करनी है। सिर्फ हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर आपने एस का कोई सुपरसेट बनाया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू है तो इससे हमारा एस जो है मैक्सिमम लीनियरली डिपेंडेंट, मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हो जाएगा, ठीक। तो बड़ा आसान है, मतलब सबसे अच्छी बात तो ये कि इसमें आपको एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है प्रूफ ही नहीं करना है। बस आपको ये प्रूफ करना है कि दूसरी कंडीशन जो है मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट की, कि ऐसा कोई सुपरसेट आप बनाइए, आप दिखा दीजिए कि ये क्या है लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, एलडी हो जाता है, ठीक। तो इस बात को हम लिख सकते हैं ऑल वी हैव टू शो दैट ए प्रॉपर सुपरसेट ऑफ एस इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, क्योंकि एस लीनियरली इंडिपेंडेंट हमें नहीं प्रूफ करना है, वो ऑलरेडी स्टेटमेंट 1 में दिया गया। चार तो आप लिख सकते हैं एस इज Li गिवन इन स्टेटमेंट 1, तो स्टेटमेंट 1 में तो हमें ये ऑलरेडी दिया गया है, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि एस का कोई प्रॉपर सुपरसेट लीनियरली डिपेंडेंट है, तो एक आर्बिट्रेरी प्रॉपर सुपरसेट एस का बना लेते हैं। तो लिख लेते हैं इसी बात को, कंसीडर द सेट, प्रॉपर सुपरसेट बना रहे हैं एस का, ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं एस वन। कंसीडर द सेट एस वन, जिसमें कि एस में कौन कौन से एलिमेंट थे, ए वन था, ए टू था, ए एन था, एक एडिशनल एलिमेंट इसमें डाल देते हैं हम,
इसको हम कलर में लिख देते हैं ए लिख देते हैं, ठीक है। ये जो है एस का प्रॉपर सुपरसेट हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन आप ये लिख दीजिए ए इज नॉट इक्वल टू ए आई जहाँ आई वेरी फ्रॉम वन टू एन, मतलब ये ए जो है इन सबसे क्या है डिफरेंट है भाई, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एस इज सबसेट ऑफ एस वन, मतलब एस वन इज प्रॉपर सुपर सेट ऑफ एस। चलिए अच्छी बात है। अब बस इतना बचा है प्रूफ करना। क्या प्रूफ करना बचा है कि S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। चलिए कैसे प्रूफ करेंगे। यहां पे एक और खास बात ध्यान देने होगी है, जो हमने ये A लिखा हुआ है A इज नॉट इक्वल टू ए आई बट A बिलोंग्स टू V, मतलब A V का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, करेक्ट। तो जरा यहां सोचिए, अभी तक हमने सारी कंडीशन का इस्तेमाल कर लिया है। गिवन स्टेटमेंट देखिए S is li, इसका इस्तेमाल कर लिया हमने, लेकिन S generates V, इसका भी तो इस्तेमाल करना है, इसका तो यूज ही नहीं किया हमने। S generates V का क्या मतलब होता है? अगर मैं आपसे बोलूं Ls is equal to V, what does this mean? इसका मतलब ये होता है V का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर आप A लेंगे तो उसको हम S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, वही काम यहाँ करेंगे। तो इस कंडीशन का भी इस्तेमाल करेंगे भाई, ये कंडीशन तो इस्तेमाल करना ही है ना, ऐसा तो नहीं कि कंडीशन अनयूज रह जाएगा। तो बस जैसे आप यहाँ पे एक बार स्टॉप हो जाए, आप सोच नहीं पा रहे हो, तो ये सोचिए ये जो ए आपने एक्स्ट्रा एलिमेंट इंक्लूड किया है, ठीक है, ये वी का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ए को वी की जो जनरेटर है जो कि एस है, ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा तो A belongs to V and V is generated by S, so we can write A as linear combination of element of S. तो इस बात को लिख देते हैं, ठीक है। Since इसको हम लिखते हैं डार्क पेन से, since S, क्योंकि हमें इस conditions का भी इस्तेमाल करना है ना, ऐसा तो नहीं कि इस condition का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सारी condition का इस्तेमाल होता है। Since S generates V and A belongs to V, so we can write, क्या कर सकते हैं हम इस A को S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं A is equal to alpha 1 A1 plus alpha 2 A2 and so on plus alpha n An, जहां alpha I belongs to field, I vary from 1 to n। सिंपल प्रूफ है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है, सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है, अच्छी बात है। चाहे तो हम यहाँ से एक और काम कर सकते हैं, ए को राइट साइड में लेके आइए, तो क्या बन जाएगा अल्फा वन ए वन प्लस अल्फा टू ए टू एंड सो ऑन प्लस अल्फा एन ए एन माइनस वन टाइम ए इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे एक स्केलर है जो कि नॉन जीरो है वन, राइट। अगर हम इसे देखें, ये जो इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ए वन ए टू ए एन और ए का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, जहां पे नॉट ऑल अल्फाज आर जीरो। देखिए ये अल्फा जो है ये जीरो नहीं है। अगर आपने ये इक्वेशन देखें जिसमें कि आप देख रहे हैं सारे के सारे अल्फा जीरो नहीं है, कम से कम ये तो नॉन जीरो है, तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, यहां से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे ए वन ए टू ए एन कॉमा ए ये जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब S1 जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं दिस प्रूव्स दैट S1 या प्रूफ दैट द सेट S1 इक्वल टू A1 A2 An कॉमा A इज लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। देखिए ये आर्बिट्रेरी सुपरसेट था S का और हमने उसे प्रूफ कर दिया कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि S जो है वो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को लिख देते हैं दिस प्रूव्स दैट फाइनली दिस प्रूव्स दैट S इज मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड है। तो देखिए वन साइड प्रूफ हो गया। अगर एक मिनट के लिए मैं इसे समराइज कर दूं ताकि आपको अगर आपने कहीं कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें हमें ये दिया गया था, स्टेटमेंट वन दिया गया था। स्टेटमेंट वन क्या है आपका कि
एस एल आई सबसेट है और एस जनरेट्स भी, ये दिया गया था। हमें प्रूफ करना था क्या कि एस इज मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये प्रूफ करना था कि एस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हो, जो कि प्रूफ नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट में दिया गया था। तो हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरी कंडीशन मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट की प्रूफ करनी थी। वो क्या थी कि एस का कोई भी प्रॉपर सुपरसेट अगर आप बनाएंगे एस का, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एस तो आपको दिया गया, क्या दिया गया, एस एस इज इक्वल टू ए वन ए टू एन दिया गया था। तो हमने इसका एक आर्बिट्ररी प्रॉपर सुपरसेट बनाया यहाँ पे ए वन ए टू एन कॉमा आई, एक एलिमेंट इसमें इंक्लूड किया ए, जहाँ ए नॉट इक्वल टू ए आई है ऑफकोर्स, तभी तो आप इसका सुपरसेट बनाएंगे। और देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने लिखा भी कि एस एस कंटेन टू एस वन, तो एस वन प्रॉपर सुपरसेट है एस का। अब हमें बस इतना ही शो करना था कि एस वन क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कंसिडर करेंगे तो कम से कम एक अल्फा जो है वो तो नॉन जीरो होना चाहिए। करेक्ट। अब ये चीज कैसे प्रूफ किया जाए, तो यहाँ से हमने इसका आईडी लगाया, भाई ये जो आपने ए इसमें इंक्लूड किया है आखिर है तो वी का ही एलिमेंट, राइट, ए वी का एलिमेंट है, और हमें ये जो ये भी इंफॉर्मेशन है कि एस जो है वो वी को जनरेट करता है। अगर एस वी को जनरेट करता है तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वी का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे उसको हम एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। वही हमने यहां पे लिख दिया, ए को हमने एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। और यहां से हमने देखा कि ये जो फाइनली इक्वेशन बना ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका है, ये यहां पे तो ए भी इंक्लूडेड हो गया, तो ये दिस इज फाइनली द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस वन ए वन ए टू ए एन ए, जहां कम से कम आपको ये स्केलर तो दिख ही रहा है जो कि नॉन जीरो है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है, कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो फाइनली हमने प्रूफ किया कि एक आर्बिट्रेरी सबसेट जो है, सॉरी आर्बिट्रेरी प्रॉपर सुपरसेट एस का जो कि एस वन था, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो इट मीन्स व्हाट इज दैट, इट मीन्स एस इज मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी। सो दिस इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट अप्रूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम क्या मान के चलेंगे कि एस इज मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी, और हमें ये प्रूफ करना है कि एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड ऑल्सो एस जनरेट्स वी। फिर वही बात देखिए, एस मैक्सिमम एल आई है तो एल आई तो है ही, तो इस पोर्शन को तो आपको प्रूफ नहीं करना है इंडिपेंडेंट, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना प्रूफ करना पड़ेगा कि एस जो है जनरेट करता है वी को, राइट। तो आपको अगर इस पॉइंट ऑफ में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप देखिए मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, तो प्लीज़ डू आस्क मी एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी इफ़ यू हैव, ओके। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, अच्छा लगेगा हमें। थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं अदर साइड को प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि स्टेटमेंट टू इज़ ट्रू, ट्रू मान के चलते हैं, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, टू इंप्लाइज वन करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन दैट एस इज मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट एल आई सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर फील्ड एफ। चलिए बहुत अच्छा है, क्या शो करना है हमें, टू शो वन स्टेटमेंट प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है S is Li subset of V and S generates V means basis of V। अगर दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर लें, S Li subset है जनरेट कर रहा है, तो S is क्या हो जाएगा, V का बेसिस हो जाएगा, S generates V। ठीक, तो यहां पे लिख देते हैं, ऑल वी हैव टू प्रूव इज दैट, सिर्फ एक ही चीज हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि एस जनरेट्स वी, क्योंकि एस इज एल आई, ये ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड है मैक्सिमल एल आई के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, क्योंकि कोई सबसेट एस अगर मैक्सिमल एल आई है तो एल आई तो है ही, राइट। सो ऑल वी हैव टू प्रूव इज दैट, ऑल वी हैव टू प्रूव इज दैट एस जनरेट्स V, that is linear span of S is equal to V, correct? अच्छा, अगर आप ध्यान दीजिए कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि linear span of S is equal to V, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो बेसिक्स हमारा है, बेसिक्स तो हमें यही कहता है कि V का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लीजिए, अगर उसको आप S के लीनियर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, करेक्ट। तो आप ले लीजिए, मान लेते हैं कि एक्स कोई है V का आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है, तो लेट मी राइट दिस, सपोज लेट X बिलोंग्स टू V बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट
ऑफ वी, अच्छी बात है। अब क्या कर सकते हैं भाई, आर्बिट्री एलिमेंट है तो क्या करें हम। तो आपको यहाँ पे ये सोचना है कि गिवन क्या है। गिवन ये है कि एस जो है, ए वन ए टू ए एन जो है, ये मैक्सिमल एल आई है, ठीक। तो कुछ न कुछ इसका इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। सो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि एक काम करिए आप, एस मैक्सिमल एल आई है ना, ठीक है, तो आप एस का प्रॉपर सुपरसेट बना के देखें, ठीक। और अगर आपने एस का प्रॉपर सुपरसेट बनाया तो वो लीनियर डिपेंडेंट होना चाहिए, करेक्ट। तो चलो यहाँ से देखते हैं क्या होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली हम क्या करने वाले हैं, हम एस का प्रॉपर सुपरसेट कंसीडर करने वाले हैं। देखिए फिर से आपको क्या मिलता है, ठीक है। कंसीडर द सेट, ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, ए वन ए टू ए एन, ये तो पूरा एस था, कॉमा एक्स, ठीक है। अब जरा अगर इस सेट के बारे में बात करें तो ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। ऑफ कोर्स इट इज लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि ये है एस यूनियन एक्स, राइट। इसका मतलब ये है कि ये एस का प्रॉपर सुपरसेट है और एस मैक्सिमल एल आई है। तो एस का कोई भी प्रॉपर सुपरसेट आप ये बनाएंगे, अगर इसको एस वन नाम दे देंगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा तो लीनियर डिपेंडेंट की जो कंडीशन है उसको लिखते हैं, ये सेट जो है आपका लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा, राइट। तो लिख देते हैं, कंसीडर सेट दिस विच मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट, एल डी शॉर्ट में लिख रहे हैं, सिंस आपका एस वन इज मैक्सिमल एल आई सबसेट ऑफ वी। भाई मैक्सिमल एल आई सबसेट है और आपने यहाँ पे उसका एक सुपरसेट ले लिया है, तो वो लीनियर डिपेंडेंट होगा। अगर ये लीनियर डिपेंडेंट है तो हमें इससे क्या मिला, हमें इससे डेफिनेशन मिल गई लीनियर डिपेंडेंट की, हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कंसिडर कर सकते हैं। देन वी हैव अल्फा वन ए वन प्लस अल्फा टू ए टू, लिखते जाते हैं इसको, अल्फा वन ए वन प्लस अल्फा टू ए टू एंड सो ऑन, प्लस अल्फा एन ए एन प्लस अल्फा एन प्लस वन एक्स इज इक्वल टू जीरो, जहां अल्फा आईज नॉट ऑल अल्फा आईज आर जीरो, जहां आई वेरी फ्रॉम वन टू एन प्लस वन, जो ये स्केलर्स हैं अल्फा वन अल्फा टू जो कि फील्ड के एलिमेंट हैं, अल्फा आई बिलोंग्स टू फील्ड, सारे सारे तो जीरो नहीं होंगे, कम से कम एक अल्फा तो नॉन जीरो होना चाहिए। बट वॉट वी वॉन्ट टू क्लेम, वी आर हियर क्लेमिंग दैट अल्फा एन प्लस वन ही नॉन जीरो होगा। क्लेम लिख रहा हूं मैं, क्लेम दैट अल्फा एन प्लस वन इज नॉन जीरो, चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर वन लिख देते हैं, इन वन। कैसे, क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं अल्फा एन प्लस वन जो है वो नॉन जीरो नहीं होगा, तो मान लेते हैं कि ये जीरो है। अगर अल्फा वन जीरो होगा तो देखिए हमें क्या कंट्राडिक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो उस बात को लिखता हूं, ठीक। सिंस इफ पॉसिबल, मान लेते हैं भाई कि अल्फा एन प्लस वन जीरो है, लेट अल्फा एन प्लस वन इक्वल टू जीरो इन वन। अगर ऐसा लिखा तो आपका इक्वेशन वन क्या बन जाएगा, इक्वेशन वन ही बन जाएगा आपका ये। सो अल्फा वन ए वन प्लस अल्फा टू ए टू प्लस सो ऑन प्लस अल्फा एन ए एन इज इक्वल टू जीरो, लेकिन आपको यहां लिखना पड़ेगा नॉट ऑल अल्फा आईज आर जीरो, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो नॉट ऑल अल्फा आईज आर जीरो, इससे हमें क्या कंट्रडिक्शन मिल जाएगा, क्योंकि आपने देखिए यहाँ अल्फा एन प्लस वन जीरो लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा था इक्वेशन वन में कि दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वन से लेके एक्स तक के एलिमेंट का, जहां पे कि नॉट ऑल अल्फा इज आर जीरो, कम से कम एक अल्फा जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो अल्फा, हम यहाँ पे क्या क्लेम कर रहे हैं कि अल्फा एन प्लस वन ही नॉन जीरो होगा, ठीक है। अगर आपने बोला नहीं अल्फा एन प्लस वन नॉन जीरो नहीं, ये जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक जो अल्फा वन से लेकर अल्फा एन तक स्केलर हैं, कम से कम इनमें से कोई ना कोई एक नॉन जीरो होगा, वही यहां से हमने लिखा हुआ है। तो यहां जो इक्वेशन नंबर टू लिखे हैं, इसका क्या मतलब हुआ भाई, ए वन से लेके ए एन तक के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन आपने कंसिडर किया है, और साथ साथ ये भी बोले कि नॉट ऑल अल्फा इज आर जीरो, इसका मतलब तो ये हुआ कि ए वन ए टू ए एन जो कि आपका सेट एस है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, और एस तो लीनियर डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, एस तो आपका मैक्सिमल एल आई है। तो ये हो गया आपका क्या, कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो लिख सकते हैं इस बात को, रेड से लिख रहा हूं, कंट्राडिक्टिंग
या लिख सकते हैं, पहले कंट्राडिक्टिंग के पहले हम ये लिख देता हूँ कि दिस इम्प्लाइज एस इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, मतलब ये फ्रॉम टू हम बता रहे हैं कि टू से हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, एस इक्वल टू जो कि आपने लिया था ए वन ए टू ए एन जो कि मैक्सिमल एलआई था, एलआई था ही मैक्सिमल एलआई था, ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है दो से कि ये लीनियर डिपेंडेंट हो गया, जो कि कंट्राडिक्शन है, विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट एस इज मैक्सिमल एलआई सबसेट ऑफ वी, एस इज मैक्सिमल एलआई सबसेट ऑफ वी, ठीक है। तो ये मिल गया आपको क्या कंट्राडिक्शन, इसका मतलब हम सही थे, क्या सही थे, हेंस अल्फा एन प्लस वन जो है नॉन जीरो होगा, हेंस देयर एग्जिस्ट अल्फा एन प्लस वन इनवर्स बिलोंग्स टू एफ एग्जिस्ट। अब अगर अल्फा एन प्लस वन नॉन जीरो है तो फ्रॉम वन हम क्या देख सकते हैं, सो फ्रॉम वन वी गेट, जरा इक्वेशन वन को फिर से देखिए, इक्वेशन वन जो है यहाँ पे अल्फा एन प्लस वन को राइट साइड में लेके आइए इधर, और अल्फा एन प्लस वन से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में, क्योंकि अल्फा एन प्लस वन जो है आपका नॉन जीरो है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको, चाहे तो एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, माइनस अल्फ ये लिख सकता हूँ मैं, अल्फा एन प्लस वन एक्स इज इक्वल टू अल्फा वन ए वन, थोड़ा एक स्टेप बढ़ा देता हूँ कोई बात नहीं, अल्फा टू ए टू एंड सो ऑन प्लस अल्फा एन ए एन, अल्फा एन प्लस वन नॉम जीरो है तो अल्फा एन प्लस वन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, सो व्हाट वी कैन राइट दिस एज माइनस अल्फा वन डिवाइडेड बाई अल्फा एन प्लस वन ए वन माइनस अल्फा टू डिवाइडेड बाई अल्फा एन प्लस वन ए टू एंड सो ऑन माइनस अल्फा एन डिवाइडेड बाई अल्फा एन प्लस वन ए एन, ठीक है। अब ये सारे सारे स्केलर हैं, चाहे तो इसको नाम दे देते हैं सी वन, इस पूरे को नाम दे देते हैं सी टू विथ साइन नेगेटिव साइन, इसको नाम देते हैं सी एन, तो हम ये भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू सी वन ए वन प्लस सी टू ए टू एंड सो ऑन प्लस सी एन ए एन। तो अब बताइए क्या हो गया, एक्स जो कि वी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, इसको आपने ए वन ए टू ए एन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, भाई ए वन ए टू ए एन क्या है, ये तो एस है राइट, तो इसका मतलब आपने क्या शो कर दिया, आपने ये शो कर दिया कि एक्स का कोई भी आर्बिट्रेरी सॉरी वी का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ दस या दिस प्रूव्स दैट वी इज जनरेटेड बाई एस, वी इज इक्वल टू एल एस, इतना ही हमें प्रूफ करना था राइट, दिस प्रूव्स दिस थ्योरम राइट, क्योंकि एस इज एल आई ऑलरेडी ये प्रूफ था, एस जनरेट्स भी प्रूफ हो गया, दिस प्रूव्स द स्टेटमेंट वन, और फाइनली ये थ्योरम भी प्रूव हो गया। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ इस थ्योरम को, जो ये जो भी मैंने इस पार्ट को किया है, ताकि अगर आपका थोड़ा बहुत कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाएगा, जस्ट वेट, स्टार्ट पे पहुँचते हैं फिर इसको मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से शुरू हुआ था ये कि आपको टू इम्प्लाइज वन प्रूफ करना था राइट, मतलब स्टेटमेंट टू आपका ट्रू है, वन को आपको प्रूफ करना था। स्टेटमेंट टू क्या था कि एस जो है वो आपका मैक्सिमल एलआई सबसेट है वेक्टर स्पेस का। स्टेटमेंट वन में हमें क्या प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना था गिवन एस इज मैक्सिमल एलआई देन वी हैव टू प्रूव दैट एस इज एलआई सबसेट ऑफ वी एंड एस जनरेट्स वी। अब हमें एस इज एलआई सबसेट ऑफ वी ये पोर्शन जो है उसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि एस इज मैक्सिमल एलआई सबसेट दिया गया है, मैक्सिमल एलआई है तो एलआई तो ऑलरेडी है, तो ये पोर्शन प्रूफ नहीं करना है, बच गया ये पोर्शन एस जनरेट्स वी, ये प्रूफ करना है। तो वही लिखा हमने यहाँ पे, ऑल वी हैव टू प्रूव इज दैट एल एस इज इक्वल टू वी, दैट इज वी इज जनरेटेड बाई एस, दिस वच ओनली वी हैव टू प्रूव। अब ये प्रूफ करने का क्या तरीका होता है, इसका तरीका ये होता है कि v का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर आप x लेते हैं उसको आप s के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में ले सकें, मतलब s का एलिमेंट क्या है a1 a2 an है, तो आपको x को a1 a2 an के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है ठीक। अब हम इसके लिए सोचेंगे क्या किया जाए, क्या किया जाए, देखिए s मैक्सिमल एलाई सबसेट है तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करेंगे, तो हमने क्या किया, हमने ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक जो ये s था इसमें इसी x को इंक्लूड करा दिया, मतलब हमने
हमने एस का एक सुपर सेट बना लिया, कह सकते हैं इसको एस वन नाम देते, तो एस वन दे दिया, ठीक है, एस यूनियन एक्स हो गया। अब ये सुपर सेट है एस का, तो इस्तेमाल कर लेते हैं कंडीशन कि एस मैक्सिमल एल आई है, तो ये सुपर सेट जो है मस्ट बी लीनियर डिपेंडेंट, तो हमारा कंडीशन वन का इस्तेमाल भी हो गया। तो हमने यहाँ लिखा विच मस्ट बी लीनियर डिपेंडेंट, मतलब ये जो सेट था आपका ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, एस वन जो है ये एस लिखा हुआ है, ठीक है, एस इज मैक्सिमल एल आई सबसेट। तो अगर आपका ये लीनियर डिपेंडेंट हो गया, ओके, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कंडीशन लीनियर कॉम्बिनेशन वाली ये होगा, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनका ये जो a1 a2 an x है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने यहाँ कंसिडर किया और इक्वेशन वन बना लिया। अब यहाँ पे तो आपको पता है कि अगर आप अगर ये सेट लीनियर डिपेंडेंट है तो कम से कम एक अल्फा जो है वो तो नॉन जीरो होना चाहिए। हम क्या क्लेम कर रहे हैं कि हमारा ये अल्फा एन प्लस वन जो है यही नॉन जीरो है, ठीक है, तो दैट्स वाई वी आर राइटिंग अल्फा एन प्लस वन इज नॉन जीरो, वी आर क्लेमिंग दैट, ठीक। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं कि अल्फा एन प्लस वन नॉन जीरो है, तो इसका कंट्राडिक्शन मान लेते हैं। मान लिया कि अगर अल्फा एन प्लस वन अगर आपने जीरो ले लिया तो आपको क्या कंट्राडिक्शन मिलेगा, देखिए इस इक्वेशन में अगर आपने अल्फा एन प्लस वन जीरो ले लिया तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ए वन अल्फा वन ए वन प्लस अल्फा टू ए टू प्लस अल्फा एन इक्वल टू जीरो, और इन अल्फा वन से लेकर अल्फा एन तक के जो स्केल है इनमें से कोई ना कोई स्केल नॉन जीरो है। अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हो गया भाई ए वन ए टू ए एन ये जो सेट है जो कि एस है ये बन गया हमारा क्या लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये लीनियर डिपेंडेंट हो नहीं सकता क्योंकि एस हमारा मैक्सिमल एल आई है, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यही कंट्राडिक्शन मिल गया। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा एन प्लस वन जो है वो नॉन जीरो है, और ये नॉन जीरो है तो अल्फा एन प्लस वन इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, इसका उल्टा करेक्ट वन बाई अल्फा एन प्लस वन एग्जिस्ट करेगा, तो वही मैंने लिखा हेंस देयर एग्जिस्ट अल्फा एन प्लस वन इनवर्स बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट। इक्वेशन वन को फिर से यहाँ पे रीराइट किया और फाइनली हम इस कंडीशन पहुंच गए कि x जो है s के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। फाइनली वी हैव प्रूव दैट v इज जनरेटेड बाई s एंड दिस प्रूव्स द कंप्लीट थ्योरम। ओके, तो यहां से ये थ्योरम पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो, तो जरूर पूछेगा, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, और आई होप कि आपको ये प्रूफ बहुत पसंद आया हो, क्योंकि ये प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है और अक्सर आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी पूछा जाता है और बहुत सारे इंडियन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट्स में पूछिएगा मुझसे, मैं जरूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं, इसका पीडीएफ भी आप मुझसे वहाँ मांग सकते हैं, लिंक में मेरे प्रोफाइल में लिंक दिया गया है। वैसे तो मैं कमेंट में भी पिन कर देता हूँ अपने चैनल का लिंक। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग मी, और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको किसी तरीके से मैं हेल्प कर रहा हूँ या सपोर्ट कर रहा हूँ। शुक्रिया, थैंक्स अगेन।